दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे निकाहे मुता के बारे में। आजकल का मुसलमान बहुत आगे बढ़ चुका है। आजकल बड़े शहरों में एक चलन जोरों पर है कि लोग किसी भी लड़की को कुछ पैसा देते हैं और उसे अपने फार्म हाउस में ले जाते हैं, अपने घर में ले जाते हैं, किसी अनजानी जगह पर ले जाते हैं और उसके साथ हमबिस्तरी करते हैं और इसे जायज करार देते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लड़की को रकम देकर उसे जिस्मानी ख्वाहिश के लिए राजी कर लेना यानी उसे निकाहे मुता में ले लेना क्या ये जायज है और इसकी क्या शरायत है। निकाहे मुता यानी कि पहले से ये तय कर लिया जाए कि हम बिस्तरी के बाद निकाह तो ख़त्म हो जाएगा, मुझे सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है और लड़की को भी मंजूर हो, तो इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है। प्यारे दोस्तों, निकाहे मुता बातिल और हराम है। इसकी हुर्मत शरीयत से साबित है। कुरान करीम में इरशाद फरमाया गया है कि मुतावत्ता न तो बीवी है और न बांदी। यह औरत न तो गुलाम बांदी होती है और न ही बीवी, क्योंकि ऐसी औरतों का न ही घर में कोई हक होता है और न ही पैदा होने वाली औलाद का नस्ल साबित होता है और न ही ऐसी औरतों को तलाक दी जा सकती है। दोस्तों, निकाहे मुता का तरीका अब मैं आपको बता दूं कि निकाहे मुता आखिर है क्या। कोई भी मर्द किसी अजनबी औरत से ये कहे कि तू मुझसे इतने पैसे ले ले और मुझे एक रात, दो रात, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 6 महीना या 1 घंटे या जितने दिन भी वो चाहे उतने दिन तक मेरे साथ रहने दे, तेरे जिस्म के मुझे मज़े लेने दे, मेरी जिस्मानी ख्वाहिश मुझे पूरी करने दे, और औरत पैसे के बदले इस चीज़ की इजाज़त उस गैर मर्द को दे दे, अपना जिस्म उस गैर मर्द के हवाले कर दे, तो इसे ही निकाहे मुता कहा जाता है। यानी कि पैसे के बदले कुछ वक्त के लिए हमबिस्तरी करना, यही निकाहे मुता है और इसका नाजायज होना सुन्नत से साबित है। दोस्तों, निकाहे मुता हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में जायज हुआ करती थी, फिर कुछ वजह से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे बाद में हराम करार दे दिया और सभी सहाबाओं से कहा कि जो भी निकाहे मुता में शामिल है वो अपनी बीवियों को छोड़ दे। एक रिवायत में है कि जब फतेह मक्का के वक्त हम मक्का में दाखिल हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें मुता की इजाज़त दी और अभी हम मक्का से निकले भी न थे कि हमें इससे रोक दिया गया और हिदायत दी गई कि जिंदगी में इसके बाद कभी मुता न करना, क्योंकि अल्लाह पाक ने इसे हराम करार दे दिया है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि निकाहे मुता क्या है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें इन नाजायज कामों से बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा, क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन अल्लाह पाक की बारगाह में कब कबूल हो जाए।